दोस्तों टिकटॉक के कैमरे से वीडियो शूट करने से वीडियो वायरल नहीं होती। मुझे एक भाई की कमेंट आई दोस्तों कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो आपकी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए या यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई भी अदर कैमरा यूज़ कर लेता हूँ। तो वो बोले आप टिकटॉक से क्यों नहीं वीडियो बनाते। तो मैंने उनको सबसे पहले एक वजह बताई, दोस्तों आप भी जान लो, अगर आपको भी आप भी एक टिकटॉक क्रिएटर हो तो आपके लिए वो ज़रूरी है। तो देख लो सबसे पहले यार उसमें क्या होता है कि आप जब वीडियो शूट करते हो तो आपको वहाँ टाइमिंग मिल जाती है 15 सेकंड की, 30 सेकंड की या 1 मिनट की। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हम जब वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि टाइमिंग ख़त्म होने से पहले हमें वीडियो बनाना है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहली तो बात ये है दोस्तों कि अगर हम अदर कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब देखो अब मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ और अगर मुझसे कुछ गलती भी हो रही है तो दोस्तों मैं इसको कट कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे बोलने में अगर अभी कुछ गलती हो जा रही है तो मैं इस वीडियो को कट कर दूंगा। काइनमास्टर एप्लीकेशन में जब मैं इसकी एडिटिंग करूंगा तो मैं इसे कट कर दूंगा। तो इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमें टाइमिंग फुल मिल जाती है। मतलब मैं क्या करता हूँ, जब वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी वीडियो बना रहा हूँ या टिकटॉक को कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें क्या करता हूँ मैं कि जब वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो के बार बार शूट ले लेता हूँ। मतलब एक शूट में जो वीडियो हमारा बनना चाहिए मैं उसको 3-4 बार शूट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा 3-4 बार शूट करने में अगर एक अच्छा शूट नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा या चौथा शूट मेरा अच्छा आ ही जाता है। तो वो मैं क्या करता हूँ, 3 शूट को काट डालता हूँ और जो एक शूट जो अच्छा होता है ना तो उसे एडिट करके अपलोड करता हूँ। तो ऐसा होता है दोस्तों अदर कैमरे में हम अगर वीडियो शूट कर रहे हो, ये एक फ़ायदा होता है दोस्तों अदर कैमरे में वीडियो शूट करने का कि हम कहीं भी कट करके और कहीं से भी सही जो हमने शूट किया है वो लगा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम अदर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत से अच्छे फिल्टर भी मिल जाते हैं, जैसे कि ब्यूटी वाले फ़िल्टर होते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से दिखता है वीडियो में। तो ये भी एक वजह होती है। और मैं ज़्यादातर वीडियो दोस्तों टिकटॉक से शूट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर DSLR से शूट करते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में उसके एडिटिंग करके टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब ज़्यादातर कोई टिकटॉक के कैमरे से वीडियो नहीं बनाता है। जो भी बनाते हैं वो मतलब जो सिंपल वीडियो वो बन जाती है, लेकिन अगर कोई VFX वीडियो या दूसरी कोई वीडियो है तो हमें अदर कैमरे से शूट करनी पड़ती है दोस्तों। जैसे कि स्लो मोशन वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सी स्लो मोशन वीडियो भी ट्रेंड में चल रही थी, तो वीडियो बनाने के लिए भी अगर हम टिकटॉक का कैमरा यूज़ करते तो दोस्तों इतना परफेक्ट नहीं आता। और कोई अदर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे बार बार शूट करके हम काइन मास्टर में उसकी एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसके अच्छे से स्लो मोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि आप एक टिकटॉक क्रिएटर हो तो अदर कैमरा यूज़ करा करो, कोई भी मतलब कैमरा ले सकते हो आप। आपको पता होगा प्ले स्टोर में बहुत से अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, तो उसमें देख लेना जो बिना वाटर मार्क वाला कैमरा है वो ले लेना आपने, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों अगर आप वो कैमरा यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले तो टाइमिंग मिल जाती है जिसमें आप रिलैक्स होकर वीडियो बना सकते हो। मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है, वो 15 सेकंड चालू हो जाता है हमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि जल्दी से हमें वीडियो ख़त्म करना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। तो मेरी ये राय है कि आप अदर कैमरे से शूट करो, कोई भी हो वो कैमरा, तो उससे आपका वीडियो अच्छा परफेक्ट बनेगा। क्या करना है कि जब आपका वीडियो शूट हो जाए तो उसे काइनमास्टर में एडिट कर सकते हो आप। काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर बहुत से सॉफ्टवेयर है एडिट करने के लिए। तो अगर आपको भी काइनमास्टर का मोड वर्जन हो, मेरे पास क्या है कि जो मैं एडिट करता हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन में तो उसका मेरे पास मोड वर्जन है, जिसमें कि यहाँ पर एक वाटर मार्क आता है काइनमास्टर लिखा हुआ, तो वो नहीं आता, जिसकी वजह से जो हमारा वीडियो है वो अच्छा दिखता है। तो आप अगर आपको भी वही काइनमास्टर चाहिए तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाके मुझे मैसेज करो कि भाई मुझे काइनमास्टर की मोड वर्जन की लिंक दे दो, तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसमें अच्छे से वीडियो एडिट कर सकते हो। तो देखो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।